मोतिहारी एमएस कॉलेज कैंपस में पेयजल की व्यवस्था करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विद्यार्थी प्राचार्य को हटाने का नारा लगा रहे थे। प्राचार्य कक्ष के गेट को बंद कर नीचे बैठकर कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे। बाद में छात्र प्राचार्य कक्ष में पहुँच अपनी समस्याएँ बताने नगर मंत्री दिवांशु मिश्रा कॉलेज के अध्यक्ष ऋषुराज ने बताया कि कॉलेज में न तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और न ही बिजली की। इस पर प्राचार्य कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। वहीं नगर सह मंत्री अभिषेक आर्य ने कहा कि इस कॉलेज में जब तक स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। कॉलेज प्रतिनिधि उज्जवल कुमार ने कहा कि प्राचार्य को वीडियो बनाने के लिए समय है और छात्रों की समस्या के समाधान के लिए समय नहीं है। वहीं इस संदर्भ में प्राचार्य ने कहा कि आरओ खराब है, स्टेपलाइजर चोरी हो गई है, जब तक आरओ नहीं बनता है प्रतिदिन 25 जार पानी कॉलेज में मंगवाया जाएगा। हमारा मेन आज का मुद्दा चारी था कि सर को बस आज आना है तो कॉलेज में पेयजल की सुविधा जो हम चार दिन से हम लोग मिल रहे हैं उसको करना है। दूसरा मुद्दा था कि क्लास में जो भी है वो यहाँ फीस लिया जा रहा है 12 के एडमिशन में इसको कम करना होगा। तीसरा मुद्दा यह है कि टिकटॉक जो है सिगरेट पीने वाले टीचर वो नहीं रहेंगी, वो कॉलेज में नहीं रहेंगी चाहे कुछ भी हो, क्योंकि पर्दे पर आई है और पर्दे पर लिखती हैं और उनका भी फोटो मेरे पास है, वो टीचर नहीं रहेंगी। चौथा है कि कॉलेज के जितना भी स्टाफ है जो हमसे कहते हैं कि बाबू भैया आज जो हमारा आम जाता है स्टूडेंट उसको मार के लगाते हैं ऐसा, इसको प्रिंसिपल सर ही ठीक कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे हेड यही हैं, पूरा मुंशी सिंह को अभी देख रहे हैं, ये जब चाह देंगे कुछ सब चीज़ संभव है, यही नहीं चाहते हैं तो फिर कैसे संभव है। हमारा हम लोग का चार ही मुद्दा था इसलिए हम ताला वाला बंद किए थे। इन विद्यार्थियों का या एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है उनका ये आरोप है कि यहाँ पेयजल की समस्या है। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं 18 मई 2019 को मेरी नियुक्ति हुई, अपॉइंटमेंट हुआ और यहाँ मैंने ज्वाइन किया 19 मई को। 30 मई तक इलेक्शन के कारण कॉलेज बंद था। मैंने बरसर के लिए 3 जून का समय निर्धारित किया था। बरसर की लिस्ट को मैंने 7 जून को विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिया। विश्वविद्यालय में वो फाइल अभी भी वाइस चांसलर के टेबल पर मौजूद है। उनके सिग्नेचर के बाद बरसर की नियुक्ति होगी, हमारे कार कॉलेज का जो वित्तीय काम है वो सुचारू रूप से चल सकेगा। लेकिन इस बीच मैं सिर्फ वही पर्सनल सिग्नेचर से, सिंगल ऑपरेशन से उन्हीं कागजों को, उन्हीं पैसों को मैं भेज पाता हूँ जो विश्वविद्यालय संबंधी खर्च हैं, ड्राफ्ट हैं, एग्जामिनेशन संबंधी या रजिस्ट्रेशन संबंधी वगैरह हैं। मैं अन्य कार्यों पर उसे मैं खर्च नहीं कर सकता हूँ बिना कमेटी की स्वीकृति के। अब इन लड़कों के पेयजल की समस्या है, एक स्टेबलाइजर था आरओ प्लांट में वो इलेक्शन के समय चोरी हो गया और बहुत सारी अभी गड़बड़ियाँ थी जिसको मैं सुधार रहा हूँ। इस बीच में मैं जो नैक के लिए IAQA जमा करना था जिसके लिए मैंने 30,000 रुपया लगभग हम लोग अपने फंड से जमा किए, वो बरसर के नहीं हुआ है इससे कॉलेज फंड से नहीं आया, एक इम्प्रेस मनी होता है जिससे वो जमा हुआ। बावजूद इसके मैंने कई बार अपने स्टाफ को भेजा विश्वविद्यालय लेकिन अभी तक हुआ नहीं। वहाँ के मैंने VC के निजी सहायक को भी कहा है और इसके अलावा मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर बिहार यूनिवर्सिटी को भी मैंने कहा है कि आप बरसर नहीं दे रहे, हमारे कॉलेज में बहुत वित्तीय अराजकता आ चुकी है और मैं कोई काम कर नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि जैसे ही आज VC आएंगे आज या कल तो हम कोशिश करेंगे हो जाए। 30 तारीख के बाद से उन्होंने कोई भी फाइल छुआ तक नहीं है, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। तो एक बात हो गई कि मैं इसके बावजूद मैंने आज लड़कों को 25,000 रोज उपलब्ध कराने के लिए कही है। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।